सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं द नरेटिव ऑफ द लाइफ ऑफ फ्रेडरिक डगलस, जो कि लिखी गई है बाय हिमसेल्फ। इस वीडियो में हम देखने वाले इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड, कुछ डिस्कशन वगैरह, समरी, एक्सप्लेनेशन, ये सारी चीजें। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। एंड तो इसमें मेनली ना इनकी मतलब देखने वाले इस पूरी स्टोरी के बारे में, जो कि इन्होंने खुद लिखी है। स्टोरी भी नहीं, टाइप से ऐसे कह सकते हम। तो ये एक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले, If you lived your whole life under oppressive condition, do you think you would be able to fight back? तो क्या आपको लगता है कि अगर आपने एक oppressive जगह पे मतलब अपनी पूरी लाइफ जी है, तो क्या आपको लगता है कि आप कभी fight back कर पाओगे? What do you think your most important tool for resistance might be? तो आपको ये मेनली कमेंट्स में मुझे जरूर बताना कि क्या आपको लगता है कि अगर आपको जैसे कि किसी चीज़ के लिए दबाया गया हो कि आप कभी भी पढ़ाई नहीं कर सकते, एंड बाद में आपको बोल दिया गया कि जॉब के लिए जाना है आपको, सो क्या आप उस जॉब को हासिल कर पाओगे? मतलब क्या आप उस एजुकेशन को उस लेवल पे दोबारा से ले पाओगे इस एज पे, या फिर क्या आप क्या क्या चीज़ें कर पाओगे, क्या फाइट बैक कर सकते हो अपनी लाइफ पे या फिर नहीं कर पाओगे? सो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। देन अब हम बात कर लेते हैं मेरे लिए इनके इस नैरेटिव के बारे में। तो जो फ्रेडरिक है, फ्रेडरिक डगलस वॉज बॉर्न इन टू द स्लेवरी इन मैरीलैंड अराउंड 1818। तो 1818 में इनका जन्म हुआ था मेनली, एंड काम भी हुआ था मैरीलैंड में, एंड एक स्लेवरी में बॉर्न हुए थे। नेक्स्ट थिंग इज लाइक मैनी स्लेव्स, डगलस वॉज सेपरेटेड फ्रॉम हिज मदर, क्योंकि मैं और स्लेव्स को भी मदर से अपनी सेपरेट कर दिया जाता था, तो वैसे ही डगलस को भी कर दिया गया था, सेपरेट कर दिया गया था मदर से उनकी। ट्रीटेड लाइक एन एनिमल, उनको एनिमल की तरह, मशीन्स की तरह मेनली यूज़ किया जाता था। फेड एंड क्लोथ पुअरली, मतलब उनको खाना भी बहुत ही बेकार दिया जाता था या फिर कम दिया जाता था। इन क्लोथ भी उन्हें ऐसा होता ना कि बस कपड़ा, शरीर को ढकने का कपड़ा, तो उस टाइप के कपड़े दिए जाते थे। कोई ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा फैंसी है, कुछ अच्छे कपड़े पहन रहे हो। एंड फोर्स टू स्लीप ऑन द फ्लोर, एंड उन्हें फोर्स किया जाता था कि वो जमीन पर सोए, ऐसे मतलब फ्लोर पर सोए जो कि बहुत ज़्यादा गंदगी वाली जगह पे, तो ऐसी जगह पर वो सोए। नेक्स्ट थिंग इज द नैरेटिव ऑफ द लाइफ ऑफ फ्रेडरिक डगलस इंट्रोडक्शन। सो अब हम देख लेते हैं, बट हिज लाइफ चेंज एट द एज ऑफ 7। उनकी लाइफ जो है वो चेंज हो गई थी जब वो 7 साल के हुए। व्हेन द मिस्ट्रेस ऑफ द हाउस होल्ड बिगेन टू टीच हिम टू रीड, तो एक घर की मिस्ट्रेस जो थी उन्होंने मतलब उन्हें पढ़ाना शुरू कर दिया था कि कैसे रीड करते हैं, वो चीज़ें उन्हें बतानी शुरू कर दी थी। ही हैड जस्ट स्टार्टेड टू लर्न व्हेन शी स्टॉप द लेसन्स, तो एक टाइम था जब उन्होंने तो पढ़ाना शुरू किया, और जैसे ही उनको थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा तभी उन्होंने लेसन्स जो है वो पढ़ाने बंद कर दिए। क्यों करें वो, ये आपको जानना चाहिए। शी लर्न दैट टीचिंग स्लेव्स टू रीड वॉज अगेंस्ट द लॉ, तो उन्हें पता चला कि किसी भी मतलब स्लेव को पढ़ाना लॉ के अगेंस्ट होता है। जैसे कहते हैं ना कि आप कोई भी रूल नहीं तोड़ सकते, ट्रैफिक रूल्स को आप नहीं तोड़ सकते, तो वैसे ही होता है कि आप इस लॉ को नहीं तोड़ सकते हो और आप स्लेव्स को नहीं पढ़ा सकते हो। ये चीज़ उन्हें पता चली जब उन्हें लगा था कि डगलस जब थोड़ा थोड़ा पढ़ना सीख गया है। डगलस डिसाइडेड दैट इफ स्लेव्स वर नॉट अलाउड टू रीड, रीडिंग मस्ट बी वेरी इंपॉर्टेंट, तो डगलस को पक्का डिसाइड कर लेता है वो कि अगर स्लेव्स को मना है मतलब कि अलाउ नहीं है रीड करने के लिए, तो पक्का यही होगा कि रीडिंग जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया, एंड तभी जो है इनको रीड करने नहीं दिया जाता। डिटरमाइंड टू लर्न ही ट्रिप्स स्ट्रीट बॉयज इनटू टीचिंग हिम टू रीड, सो क्योंकि मैंने देखो बहुत सारा डिटरमाइंड था कि उसको पढ़ना है, तो इसलिए उसने कुछ स्ट्रीट बॉयज को ट्रिक किया, मतलब ट्रिक जिसे होता है ना टाइप ऑफ उनका माइंड सेट चेंज करना है, थोड़ा सा बदल देना उनका टाइप ऑफ, तो कि ताकि वो जो है उन्हें पढ़ा सके। रीडिंग चेंज डगलस व्यूज ऑफ द वर्ल्ड, तब धीरे धीरे पढ़ाई ने जो है डगलस के व्यू पॉइंट को चेंज करना शुरू कर दिया। इट ऑल्सो टॉट हिम दैट देयर वॉज नो वे आउट ऑफ स्लेवरी येट, बट उस एजुकेशन से उन्हें एक चीज़ जरूर पता चल गई थी कि अब वो इस स्लेवरी से नहीं आ सकते, इस जो चेन से वो बंद हो चुके हैं स्लेव से, अब वो कभी भी इस रिश्ते से बाहर नहीं आ सकते। डगलस डिसाइडेड दैट ही शुड ऑल्सो लर्न टू राइट, तो डगलस ने डिसाइड किया कि अब मैं जो है ना पढ़ना तो थोड़ा बहुत सीख रहा हूँ, अब मैं लिखना भी सीखना चाहता हूँ। वन स्टेप एट अ टाइम ही ट्रांसफॉर्म्ड हिमसेल्फ, वर्किंग टू विन हिज फ्रीडम एंड डेवलपिंग इनटू द पावरफुल वॉइस फॉर एवोल्यूशन दैट ही बिकेम। सो अब उन्होंने एक एक स्टेप करके धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया, लिखना शुरू किया, एंड उन्होंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना शुरू किया, उन्होंने वर्क करना शुरू कर दिया ताकि जो जीत सके ना वो फ्रीडम पा सके, एंड उन्होंने डेवलप करना शुरू कर दिया एंड डेवलपिंग इनटू अ पावरफुल वॉइस। अब उन्होंने अपने आप को एक जैसे होता है ना एक ऐसा इंसान जिसकी बात जो है सब सुनने, जैसे नरेंद्र मोदी जी हैं उनकी इस समय बात सब सुनते हैं, तो टाइप ऑफ उन्होंने उस चीज़ ने अपने आप को कन्वर्ट करना शुरू करा एंड ताकि वो अबॉलिश कर सके स्लेवरी को, ख़त्म कर सके स्लेवरी को। देन कम्स अप द नेक्स्ट थिंग दैट इज What obstacles still stood in his way once he would learn to read and write?
अब बहुत लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि आखिर कौन कौन से उन्होंने ऐसे मतलब पड़ाव पार किए, कौन कौन से ऑब्स्टेकल्स उन्होंने पार किए जब वो रीड एंड राइट कर रहे थे, मतलब जब ये पढ़ना लिखना सीख रहे थे। वंस द सीड ऑफ फ्रीडम हैड बीन प्लांटेड हाउ डिड इट चेंज डगलस। तो अब धीरे धीरे जैसे उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया था तब उन्हें हो गया था कि फ्रीडम पानी है, तभी सीड जो है एक टाइप से जैसे कहते हैं प्लांट कर चुके थे वो, अब उनका व्यू पॉइंट जो है कैसे कैसे चेंज होने लगा, वो कैसे कैसे खुद चेंज होने लगे डगलस। हाउ डिड ही गेन फिजिकल फ्रीडम एज वेल एज मेंटल फ्रीडम। देखो पता है फिजिकल फ्रीडम एक बार को फिर भी मतलब मुश्किल तो होती है, कहीं से भागना, मतलब उनको स्लेवरी से भागना था, मतलब जो वहां से भी वो बंदी बने हुए वहां से भागना, तो वो कैसे फिजिकली फ्रीडम ले पाए। और फिर सबसे बढ़िया होती है पता है आपको, कोई कितना भी मतलब दबा ले आप फिजिकली तो फ्री हो सकते हो, आप भाग तो सकते हो वहां से, पर दिमाग को कैसे अपने उस तरफ से डाइवर्ट करोगे, उस तरफ से चेंज करोगे, एक नई जगह एक फ्रूटफुल जगह पर लगाओगे, वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। सो कैसे उन्होंने अपने मेंटल एंड फिजिकल दोनों फ्रीडम पाई होगी। देन कम्स द बैकग्राउंड। सो अभी तक हम इंट्रोडक्शन की बात कर रहे थे, अब हम बैकग्राउंड के बारे में बात कर लेते हैं। In the mid 1800s, there were many people in slavery in the US. तो बहुत सारे लोग थे इस समय, मैंने बहुत सारे लोग जो थे सफर कर रहे थे US slavery में 1800s में। During 1800s, जो abolitionists थे, मतलब कि जो abolition कर रहे थे, जो oppose कर रहे थे people who oppose slavery, used to write in to speak out against slavery. But पता एक चीज हमेशा याद रखना, पहले तो slaves जो है वो पढ़ नहीं पा रहे थे क्योंकि read लिखना पढ़ना मना था उनके लिए, एंड फिर जो भी बड़े बड़े राइटर्स वगैरह थे तो वो स्लेवरी को अबॉलिश करने के लिए क्या कर रहे थे, वो लिख रहे थे। एंड अब उसको पढ़ेगा कौन, अब भाई अगर कोई लिख रहा है, अब एक चीज बताओ अगर तुम्हारे बारे में कोई बुरा लिख रहा है, अब जैसे ब्रिटिशर्स के बारे में कोई बुरा लिख रहा है तो ब्रिटिशर्स तो उसे पढ़ेंगे नहीं और स्लेवर्स उसे पढ़ ही नहीं सकते क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं ही नहीं। डेविड वॉकर्स अपील कॉल फॉर रिवोल्ट। तो डेविड वॉकर जो है उन्होंने अपील करी और उन्होंने कहा कि रिवोल्ट का मार्ग शुरुआत करनी चाहिए। द एंटी स्लेवरी न्यूज़पेपर द लिबरेटर अर्ज्ड दैट ऑल स्लेव्स बी फ्रीड इमीडिएटली। तो एक एंटी स्लेवरी न्यूज़पेपर पब्लिश हुआ उस समय जो कि था, नाम क्या था उसका, द लिबरेटर। तो ये आप नाम लिख सकते हो अपने पेपर में, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा ये आपके। एंड जिसने अर्ज किया सब स्लेव्स को कि अब तुम फ्री हो, जाओ अपनी आज़ादी पालो, जाओ मतलब अपनी आज़ादी को अब ले लो, ग्रैब करो। देन नेक्स्ट थिंग कम्स अप इज स्लेव नरेटिव्स पर्सनल अकाउंट्स ऑफ एनस्लेव्ड पीपल्स लाइव्स वर पॉपुलर विद रीडर्स एंड हेल्प रिवील द हॉरर ऑफ स्लेव्स स्लेवरी मेनली। तो अब पता है स्लेव्स वही स्लेव्स पढ़ सकते थे, मतलब जो लिख रहे थे मतलब पोइट्स वगैरह, बड़े पोइट्स वगैरह जो स्लेव्स थे पहले, अब जो लिख रहे थे उसे वही पढ़ सकते थे जो कि एक छोटा स्लेव जो कि थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना जानता है, या फिर वो अब हमारे हेल्प आती है कि हम जान सके कि उस टाइम का टाइम मतलब लोग कैसे जीते थे, कैसे क्या क्या लाइफ थी सब। राइटर्स वेंट ऑन टूर, मतलब राइटर्स जो होते हैं अब वो डिफरेंट डिफरेंट जगह जाने लग गए, मतलब उन्होंने टूर शुरू किया ताकि वो डिस्क्राइब कर सके व्हाट लाइफ इन स्लेवरी वाज रियली लाइक। अब क्योंकि पता है घर पे बैठे बैठे आप अगर चाहे उस इंसान ने कितनी भी स्लेवरी फेस करी हो, आपने चाहे कितने भी हार्ड टाइम फेस करे हो, बट आपको वो हार्ड टाइम्स तब याद नहीं रह पाते हैं अगर आपसे कोई बोले कि एक रूम में बैठ के अपने हार्ड टाइम्स के बारे में बताओ। आपको पता तो बहुत कुछ होता है बट आप इतनी जल्दी उसको कहते हैं ना रिकॉल नहीं कर पाते। बट अगर आप टूर पे जाओगे, आप अगर आप बाहर देखोगे लोगों को जो लोग उसी चीज से इस समय सफर कर रहे हैं या फिर उसी चीज को इस समय गुजर रहे हैं, तो आपको उस चीज से और जल्दी याद आएगा कि हाँ उस टाइम में मैं ऐसा था, मैं ऐसा था, मेरे साथ ये चीज होती थी, इनके साथ ये चीज होती है, ये सारी चीजें। द पब्लिक वॉज सरप्राइज टू लर्न ऑफ द लव इन स्लेव फैमिलीज एंड द वे दे वर स्प्लिट अप बाय द सिस्टम। तो उस समय की पब्लिक जो थी, मतलब इस समय की हमने लिखा है, इस समय की पब्लिक जो है वो बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाती है कि एक तो स्लेव फैमिलीज में इतना लव वगैरह था बट दूसरे टाइम में उनको सिस्टम से इतना ज्यादा अलग रखा हुआ था। स्लेव नरेटिव्स आल्सो रिवील्ड वायलेंट फिजिकल अब्यूजेस, किडनैपिंग्स एंड स्टेजरिंग वर्कलोड्स। अब मेरे स्लेव के जो नरेटिव्स है ये हमारे को किस किस चीज के बारे में बताते हैं, ये हमारे को वायलेंस के बारे में बताते हैं जो कि फीमेल्स के साथ होता था। अब पता है उस समय फीमेल्स के साथ ये नहीं होता था सिर्फ वायलेंस है वो व्हाइट पीपल के साथ हो रहा है, बट मतलब व्हाइट पीपल ही कर रहे हैं वुमेन्स के ऊपर, बट जो ब्लैक पीपल होता था, जो ब्लैक मेन्स होते थे वो भी वुमेन्स के ऊपर वो करते थे उस समय टॉर्चर वगैरह। एंड देन कम्स अप योर फिजिकल अब्यूजेस होते थे, किडनैपिंग्स होती थी उस समय एंड रेप्स वगैरह होते थे एंड बहुत सारी चीजें होती थी। एंड देन बहुत सारे वर्कलोड होता था क्योंकि स्लेव्स को जो है एक टाइप से मशीन उस समय माना जाता था, चाहे फिर वो स्लेव्स बॉयज हो या फिर गर्ल्स हो, सबके काम बटे हुए थे। द नरेटिव ऑफ द लाइफ ऑफ फ्रेडरिक डगलस सोल्ड 30,000 कॉपीज बिटवीन 1845 टू 1860।
15 साल के अंदर 30,000 कॉपीज उस समय के टाइम, मतलब जब राइटिंग राइटिंग इतना कोई महत्व नहीं था राइटिंग का। दूसरा, स्लेव्स इतना पढ़ते नहीं थे उसे, मतलब स्लेव्स को भाई रीडिंग और राइटिंग का तो कोई वही नहीं था, हक ही नहीं था, तो ना वो पढ़ते लिखते थे। फिर भी सोचो 30,000 कॉपीज सोल्ड हो गई थी। ये तो होगा नहीं कि किसी एक इंसान ने सारी कॉपीज खरीद ली, मतलब 30,000 लोगों ने अगर वो बुक खरीदी है उनमें से 20 नहीं तो 25,000 ने तो पढ़ी होगी, जितना मुझे पता है 20 to 18,000 ने तो पढ़ी होगी। तो कितने लोगों की उन्होंने स्विमिंग माइंड सोच, मतलब जो सोच है वो कितनी चेंज की होगी। अब अगर हम बात करते हैं कि डिस्कशन स्टार्टर्स, सो अगर आपको ये जो है बस वो बच्चे देख सकते हैं जो कि ज़्यादा डीप में देखना चाहते हैं वीडियो को, सो अब हम देख सकते हैं कि डिस्कशन हम किस टाइप से कर सकते हैं इस पूरे नैरेटिव पे। यस, नैरेटिव पे डगलस इज गिवन लेसन्स इन रीडिंग एंड राइटिंग फॉर अ ब्रीफ टाइम। तो डगलस को मतलब टाइम, मतलब लाइसेंस दिए गए थे पर बहुत ही कम टाइम के लिए, क्योंकि जब तक उन्हें नहीं पता था कि मेनली स्लेव्स को बनाया है लिखना और पढ़ना। देन ही मस्ट फाइंड वेज टू गेट एन एजुकेशन ऑन हिज ओन। देन उन्होंने बहुत सारे अपने वेज निकाले कि कैसे वो अपने आप एजुकेशन ले सके। वाई डू यू थिंक स्लेव होल्डर्स वॉन्टेड टू प्रिवेंट एनस्लेव पीपल फ्रॉम रीडिंग एंड राइटिंग। सो आपको क्यों लगता है कि जो ये स्लेव होल्डर्स थे, मतलब जो ये बड़े लोग थे, वाइट पीपल थे, ये क्यों चाहते थे कि ये जो स्लेव्स है ये पढ़े लिखे ना? तो पता है जितना मुझे लगता है, मतलब मुझे क्या लगता है रियल में ये ऐसे, तो कि ताकि ये लोगों के नाम पता चल सके कि इनके राइट्स क्या है, इनके रियल में इनके पास हक क्या है, इनके पास कितने सारे राइट्स है, इन सबके बारे में ना पता चल सके। और बाकी आप अपने बताओ कमेंट्स में क्या आपको इसके आंसर्स लगते हैं। वट इज़ द वैल्यू ऑफ लर्निंग टू रीड एंड राइट। सबसे मेन वैल्यू तो ये होती है कि आप अपने आप को फ्रीडम दिलवा सकते हो, अपने दिमाग से आप ये सब चीज़ें निकाल देते हो कि यार मैं इतना बुरा हूँ, मैं ऐसा हूँ, वैसा हूँ। आप एक, मतलब कहते हैं ना, एजुकेशन लाइन में आ गए हो, अब आप एक प्रोफेशनल हो गए हो। वट वुड लाइफ बी लाइक इफ यू कुडंट रीड एंड राइट। कुडंट रीड एंड राइट का मतलब तो यही हो गया घर में बैठ के बस काम वगैरह करते रहो एंड नौकरी नौकर बन जाओ दूसरों के, तो इस टाइप से ही होता है। Why do you think Douglas decided to write the story of his life? हो सकता है उन्होंने सिर्फ इसलिए लिखा हो ताकि वो और लोगों की लाइफ को प्रभावित कर सके, हो सकता है उन्होंने इसलिए लिखा हो ताकि जो दूसरे, मतलब जो इस समय लोग स्लेव्स हो, उनको लग रहा हो कि बाद में फ्यूचर में भी स्लेव्स होंगे, तो उन स्लेव्स को बताने के लिए कि आखिर तुम्हारी रियल लाइफ क्या है, तुम कैसे जी सकते हो, ऐसा नहीं है कि तुम्हारा रीड एंड राइट का मतलब बना है तुम पढ़ सकते हो जैसे मैंने पढ़ाई करनी शुरू करी। If you lived in Douglas time, अगर आप Douglas के टाइम पे जिंदा होते, How do you think his autobiography would have affected you? Why? अगर उस समय आपने इनकी बुक पढ़ी होती तो आपको क्या लगता है आपको कैसे चेंज किया गया होता? पता है अगर अगर आपको एक कोई बच्चा है उसे, तो अगर मैं अपने आपको एक सिचुएशन में रखूँ कि मैं वाइट पीपल हूँ, तो मुझे हो सकता है मुझे बुरा लगेगा कि भाई ये इस सर ऐसे क्यों लिख रहा है, रीड एंड राइट क्यों कर रहा है, क्योंकि मेरी पावर चीत थी इससे, अगर ये मतलब इस सर पढ़ के लिख गया तो ये तो मेरे लिए अगेंस्ट जाएगा, पॉलिशन करेगा या फिर प्रोटेस्ट करेगा। बट वही अगर कोई स्लेव पड़ेगा तो उसे लगेगा कि यार इसकी लाइफ तो फिर भी अच्छी है कि इसको तो पोइट बन गया ही है और इसकी तो बुक भी पब्लिश हो गई, मेरी तो कभी हो ही नहीं सकती, मेरी तो लाइफ कभी ऐसी हो ही नहीं सकती।